वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेविंग चैनल दिवस शेयर्स में। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, इट वाज अबाउट फॉरेस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट्स, और उसमें आपको ध्यान होगा, आपने देखा होगा कि शेविंग क्रीम और आफ्टर शेव लोशन के ऊपर मैंने अपने रिव्यूज बताए थे, शेयर किए थे। आज एक और महारथी कंपनी कामा आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में मैं अपने यूजर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो कामा आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स जो हैं, मेरे को मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किए दिवाली पे, तो आज इनका पहला इस्तेमाल होगा और लेट्स सी कि इनका एक्सपीरियंस क्या रहता है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक चीज़ तो मैं बता दूं भाई कि प्राइसेस आर एग्जॉर्बिटेंट, बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस हैं इनके। अब उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है एक्सक्लूसिविटी और यूजिंग प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स जो कि नॉर्मल जगहों पे नहीं पाए जाते, ये इनको प्रोक्योर करते हैं हिमालय की तलहटी, साउथ में नीलगिरी हिल्स और भी ना जाने क्या क्या। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ और आपको पहले प्रोडक्ट्स डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो शेविंग फोम, अब नॉर्मली जो होता है शेविंग फोम यूज करना मैंने कई सालों से बंद ही कर दिया है, अनलेस एंटिल ट्रैवलिंग के टाइम में एक छोटा मैं रखता हूँ अपने ट्रैवलिंग किट में, जब आपको जल्दीबाजी में कुछ बनाना है शेविंग, तो अदरवाइज नाउ आई एम नॉट यूजिंग शेविंग फोम। बट ये शेविंग फोम जो है ये बिल्कुल डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं। फिर भी इसके बारे में जब मैंने रिसर्च की शेविंग फोम के बारे में, 97% ही हर्बल है, 3% इसमें भी केमिकल्स से यूज किए हैं, तो इट्स नॉट 100% हर्बल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कामा आयुर्वेद, इनका ब्रांड नेम नेचुरल शेविंग फोम, एंड इट कंटेन्स एसेंशियल ऑयल्स ऑफ सैंडलवुड एंड मिंट। तो खुशबू तो बिल्कुल मिक्स आती है और सैंडलवुड की स्मेल है और उसमें मिंट का हल्का सा हिंट है, और यहाँ पे एक फ्रेंच में इन्होंने लिखा है, आप देख सकते हो। अब उसको मैं अगर हिंदुस्तानी अंदाज में पढ़ूंगा, लेस जार्डेंस डेंडे, तो ये जो है ये फ्रेंच जो है मेन मुद्दा वही है उसमें प्रोनाउंसिएशन का। तो फिर मैंने गूगल ट्रांसलेटर में जब उसको देखा तो वो ऐसा बिल्कुल प्रोनाउंस नहीं करते, तो उसको बोलते हैं लेजर दा इंदे, दैट मींस फ्रॉम द गार्डन्स ऑफ इंडिया। तो ये कंपनी की टैगलाइन है अपने प्रोडक्ट्स में कि इट इज, क्योंकि आयुर्वेदा का उद्भव भारत से हुआ है तो ये इसको मार्केट कर रहे हैं अभी। अब नॉर्मल शेविंग क्रीम, सॉरी शेविंग सोप्स, सॉरी शेविंग फोम आप जब बाजार से खरीदते हो तो मैक्सिमम 300-350 तक आते हैं, और इसके जो प्राइस हैं ह्यूमंगस 1350, 1350 का ये शेविंग फोम है। अब ये है क्या भैया, अब तो लगा के ही देखना पड़ेगा उसकी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट क्या है, किस तरह का फोम है, और इसीलिए आज मैं एलम भी यूज़ नहीं करूँगा कि उससे पता लगे कि वाकई में जो पोस्ट फील कैसा रहता है। तो मैं कुछ उम्मीद कर रहा हूँ कि कूल होगा, और बड़े ही फाइन प्रिंट में लिखा है, कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा है इसमें। तो फिर मैंने क्या किया, इंटरनेट में गया और इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने रिसर्च कर डाली और आपको शेयर करने के लिए कि अल्टीमेटली इतना महंगा है क्या इसमें, एंड इट इज ओनली 150 ml। नॉर्मल तो होता है वो 300 ml तक के साइज के बड़े वाले आते हैं, उसमें 30% एक्स्ट्रा फ्री भी देते हैं, ये केवल 150 ml की जो फोम है, तो इसमें है क्या, तो इसमें तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो मैं जरूर आपको शेयर करूंगा, मैं लिख के लेके आया हूं अपनी डायरी में। तो कामा शेविंग फोम, इसमें सैंडलवुड मिंट, और ये इन्होंने कंपनी ने खुद ही दावा किया है कि लादर विल बी वेरी सॉफ्ट एंड सटल, तो सॉफ्ट होगा सटल होगा, एंड इट हैज हाइड्रेटिंग एलोवेरा एंड जोजोबा ऑयल विच मॉइस्चराइजेस, इट हैज एंटी फंगल बेसिल जिसको ओशिमम सेंटम, बेसिल ओशिमम सेंटम मतलब तुलसी, बेसिल मतलब तुलसी, उसका साइंटिफिक नेम है ओशिमम सेंटम, वो डाला है जो कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, एंटी बैक्टीरियल, इसमें विलो बार्क है, विलो जो है क्रिकेट के बैट बनाने वाली शायद वो पेड़ होता है, विलो के बैट्स बनते हैं क्रिकेट के, तो उसी की जो बार्क होती है उससे इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया है, और विलो जो होता है कश्मीर में होता है इतना मेरे को पता है। मिंट ऑयल है इसमें कूलिंग और रिफ्रेशिंग सेंसेशन के लिए, और फोम जो होगा ये पहले ही कह रहे हैं भैया गालियां मत देना हमें, बहुत ही सटल होगा और बहुत ही हल्का होगा। सो लेट्स सी, तो ये है शेविंग फोम जिसके बारे में बताया। उसके साथ ही आज मैं जो फेस वॉश यूज करूंगा ये भी जो है हिमालयन देवदार फेस वॉश, तो हिमालय में जो देवदार के पेड़ होते हैं उनसे ये एक्सट्रैक्ट निकाल के इन्होंने इसको बनाया है कहते हैं, और ये जो है 495 ऑलमोस्ट 500 रुपए का फेस वॉश है और केवल 50 ml है,
बड़ी कंजूसी से दे रहे हो भाई साहब, और इट इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट फेस वॉश वॉशेज आई एम यूजिंग टूडे। अब ये फेस वॉश में है क्या ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ यूज एज अ क्लिनजर, इसमें हाइड्रेटिंग फेशियल क्लिनजर है, इट हेल्प्स इन रिमूविंग डर्ट ग्राइम एंड पॉल्यूटेंट्स, और इसमें सेडरवुड का जो ऑयल है एक्सट्रैक्ट्स हैं, एलोवेरा जूस है, जोजोबा सीड ऑयल है, और वेटिवर रूट कूलिंग वेटिवर रूट है, लेवेंडर ऑयल है, पचोली ऑयल है, और इट एक्ट्स एज अ नेचुरल एस्ट्रिंजेंट ऑल्सो। तो लेट अस सी इसकी फीलिंग क्या होगी, ये मैं अभी आपको जब अप्लाई करूंगा तब बताऊंगा। उसके बाद इनकी हाइड्रेटिंग आयुर्वेदिक फेस क्रीम फॉर मेन, तो ये एक पोस्ट शेव क्रीम की तरह यूज़ करेंगे इसको, और इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि इट विल मॉइस्चराइज योर फेस, इट हैज़ प्योर कोकोनट ऑयल, सिसेम ऑयल तिल का तेल, सिसेमी ऑयल ब्लेंडेड विथ सेडरवुड एक्सट्रैक्ट नोन फॉर कामिंग एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज। तो सेडरवुड अक्सर ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के साथ इसमें सिसेमी ऑयल है, कोकोनट प्योर कोकोनट मिल्क है, इतना तो आदमी खा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा शायद। और यस, ये एक बॉडी मिस्ट या फेस मिस्ट है, और ये जो है कामा प्योर वेटिवर वाटर। अब इसके ऊपर जब मैंने थोड़ा बहुत वेटिवर वाटर के बारे में, मेरे को पता नहीं था, तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में नॉर्दर्न इंडिया में अलीगढ़ के पास वेटिवर की घास होती है, दूब जिसको शायद बोलते हैं, उसके रूट्स के एक्सट्रैक्ट से ये वेटिवर और इसको डिस्टिल करते हैं, और उसकी जो कंडेंस करके जो उसकी भाप जो उसकी स्टीम होती है उसको कंडेंस किया जाता है और उससे ये एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, और ये जो है कामिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, और इससे ये मतलब आप एज अ अपने ट्रैवलिंग किट में भी रख सकते हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप कहीं गर्मी वाली जगह में जा रहे हो फेस में, तो जैसे आप इसको ऐसे जैसे रोज वाटर होता है गुलाबरी आपने वो किसका आता है डाबर का, उसी तरह का ये भी है, एंड इट इज़ कॉस्टिंग 295 ऑलमोस्ट 300 रुपीज़। तो वेरी 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 कॉस्टली प्रोडक्ट्स, बट जिस तरह से ये लोग प्रोक्योर कर रहे हैं और इनको बना रहे हैं तो शायद वो कॉस्ट जस्टिफाई होती है, मगर मेरा एक्सपीरियंस क्या होता है ये मैं अभी देखता हूँ, कहीं गोली सोडा वाला अप्रोच ना होता है, वो याद है ना गोली सोडा, चलिए आई होप ऐसा नहीं होगा। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ दोस्तों, बीच में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने जुजुबा या जुजुबा ऑयल बोला, तो जब ये वीडियो की मैं एडिटिंग कर रहा था अपने बेटे के साथ, तो मेरी बहन जी जो हैं वो आई और उन्होंने सुना कि मैं जुजुबा बोल रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को करेक्ट किया और बताया कि जुजुबा नहीं कहलाता, इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज होहोबा, तो गलती माफ़, तो इट शुड बी होहोबा या होहोबा ऑयल। अब शी इज़ फ्रॉम लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट, वो फ्रेंच है और स्पेनिश है, ये सब भाषाएँ वो थोड़ी बहुत जानती हैं, उन्होंने उनके काफ़ी पढ़ा भी है, तो उन्होंने मेरे को करेक्ट करने के लिए इसलिए कहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश माई फेस, आज जो मेरी दाढ़ी है बियर्ड है ये ऑलमोस्ट 3 दिन पुरानी है, तो दिस इज कामा फेस क्लीनर, थोड़ा सा लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन हर्बल खुशबू आ रही है, ये बताओ किस तरह की खुशबू आती है इस तरह से, अभी आप किसी आश्रम में जाओ ऋषिकेश में, शिवानंद आश्रम गीता भवन, और वहाँ पे जो खादी के और हर्बल के जो प्रोडक्ट के जो स्टोर्स होते हैं, हर्बल प्रोडक्ट के स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे जितना मंत्र मुक्त करने वाली जो स्मेल आती है हर्बल प्रोडक्ट की, उसी तरह की आ रही है, तो मेरे को अपना नेटिव प्लेस ऋषिकेश याद आ गया आज। यस, मेरी शिक्षा दीक्षा ऋषिकेश में हुई है, कुछ टाइम हरिद्वार में भी मैं पढ़ा हूँ, हरिद्वार। लेट मी वॉश, स्किन इज फीलिंग क्वाइट सपल और मॉइस्चराइज हो चुकी है। लाओ अब आते हैं मुद्दे पे, लादरिंग, और कंपनी ने पहले ही लिख दिया है कि सटल, बहुत ही हल्का लादर होगा भाई, लेट्स सी। और ये प्रेशराइज्ड बॉटल नहीं है, दिस इज नॉट प्रेशराइज्ड बॉटल,
तो ये एटमाइजर को मैं जब इसको प्रेस करूंगा तो फोम निकलेगा। सो दिस इज द फोम। तो आप खुद देख सकते हो कि ये फोम जिलेट के निविया के जो फोम आते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल लाइक दिस। इनफैक्ट ये भी टिक नहीं रहा है। और लगाते ही मेरे को ठंडा ठंडा एहसास हो रहा है, बहुत ही कूलिंग सेंसेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें मिंट है, मिंट ऑयल है और सैंडलवुड। तो फोम तो भैया वो गोली सोडा जैसे ही हो रहा है। स्लिकनेस मेरे को कुछ भी नहीं नजर आ रही है इसमें। मॉइस्चराइज अच्छा कर रहा है। अगर कई तरह की क्रीम्स आती हैं फोमलेस क्रीम्स शेविंग में, तो बहुत ही सटल फोम है, मगर इसकी फ्रेग्रेंस, खुशबू मेस्मराइजिंग है, बहुत ही लाजवाब। और ज्यादा लगाने से कुछ होगा नहीं। इट्स बेटर दैट आई शुड स्टार्ट माय फर्स्ट पास। पाकर 91R प्री लोडेड विद विलीज प्लेट, और आज पहला इस्तेमाल होगा इस प्लेट का। लेट्स सी माय गो टू रिजर्व। अब क्योंकि कंपनी ने पहले ही वेबसाइट में लिखा है डोंट एक्सपेक्ट लादर, इट विल बी वेरी सटल, लेस लादर, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो नाउ यू कैन सी लादर हैज ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड। लादर बिल्कुल ना के बराबर था, आपने खुद ही देखा। मगर एक चीज मैं कहूंगा, गोली सोडा में स्लिकनेस बिल्कुल नहीं थी, तो मेरे को रेजर ग्लाइड करने में बहुत दिक्कत हुई थी। आज भी स्लिकनेस इतनी नहीं थी, मगर रेजर ग्लाइड करने में मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, और बिल्कुल भी मेरे को बर्न और इस तरह का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है, और बहुत ही कूल लग रहा है, और फेस जो है बहुत ही बढ़िया लाजवाब रूप से मॉइस्चराइज हो रखा है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी। और इट्स अल्ट्रा स्मूथ, नो डाउट अबाउट इट। सेकंड पास की तैयारी करते हैं।
फर्स्ट पास के बाद अब फोम अप्लाई कर रहा हूं तो और भी ज्यादा ठंड लग रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम वेट शेवर्स के साथ जब तक वो स्लिक वॉल्यूमिनस लादर हमें नहीं मिलता वो सेटिस्फेक्शन आता नहीं, ये बात है। और ये प्रोडक्ट जो है काफी महंगा है तो डेफिनेटली उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन, तो मैं ये कहूंगा कि एक इस फोम से एक पतली फिल्म बन जाती है आपकी बियर्ड के ऊपर, स्किन के ऊपर, जो हल्का सा मॉइस्चराइज कर देती है और लेजर लाइट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत ही थिन फोम है इसका, समर्स में इस फोम का ज्यादा मजा आएगा क्योंकि बहुत ही ठंड लग रही है, अभी पूरा चेहरा ठंडा हो चुका है। बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइज किया है इसने। इट्स सरप्राइजिंग कि कोई लादर नहीं है मगर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट में कोई कमी नहीं है। सो थर्ड पास की कोई जरूरत नहीं लग रही है। अमेजिंगली जिस तरह से फोम निकला था तो मेरे को ये लग रहा था कि इसमें मजा बिल्कुल नहीं आएगा, मगर माई स्किन इज अल्ट्रा सफल नाउ हैविंग कूल इफेक्ट। समर्स के लिए लाजवाब प्रोडक्ट है और बहुत ही सफल। आई एम फीलिंग सो यंग एंड फ्रेश। तो नो डाउट कॉस्ट इज एग्जॉर्बिटेंट, 1350 का फोम 150 ml जल्दी खत्म हो जाएगा भैया, मगर मानना पड़ेगा। यस, चलिए लेट मी यूज वेटिवो वाटर। अब नॉर्मली इट्स अ मिस्ट स्प्रे, सो लेट्स कम टू द पोस्ट शेव मॉइस्चराइजिंग पार्ट। So I'm using their Himalayan Devdar moisturizing cream and इसका price जो है इतना fine print में लिखते हैं 1150 rupees की क्रीम है भाई साहब, और 50 ग्राम ही है बस, 50 ग्राम 1150 rupees। कंजूसी से लगाओ
ऐसा लग रहा है किसी हर्बल, कहीं च्यवनप्राश बन रहा है, कहीं पे वो रसायन मटी और उस तरह का जो स्टोर होता है ना, वो हर्बल, वो आयुर्वेदिक दवाइयों का स्टोर, वहाँ चले गए हो। रसायन मटी है और वहाँ पे कई तरह के कुआत होते हैं उनके, और वो करेक्ट दशमूल अरेस्ट और पता नहीं क्या क्या उनके वो भस्म होती हैं, वो सब रखी होती है। तो उस तरह का जो इन्वायरमेंट अभी पूरे मेरे शेविंग डैम में हो गया है, बिल्कुल लग रहा है यहीं बैठ जाऊँ, सिद्धासन लगा के और मेडिटेशन शुरू कर दूँ। एक बिल्कुल अलग तरह का एहसास हुआ आज, क्योंकि इसमें कोई भी सिंथेटिक केमिकल्स नहीं थे सिवाय इसके। इसमें 1-3% सिंथेटिक केमिकल्स हैं, मगर बाकी के बाकी प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, और ये मेरे को एक बिल्कुल ही अलग कॉस्मोस में ले गए। तो बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट यस, वन शुड थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग इन इट, क्योंकि ये एक अलग लेवल है। जैसे कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल वेट शेविंग में हमें अगर लादर चाहिए तो लादर इसमें मिलेगा नहीं, मगर इसने जो है मॉइस्चराइज बहुत अच्छा किया, रेजर ग्लाइड करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और एंटी एजिंग सॉरी जो क्रीम है इसकी, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वो भी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। इसमें जोजोबा ऑयल है, बेसिल तुलसी जिसको बोलते हैं, और जो सेडर वुड होती है, सेडर की वुड उसकी एक्सट्रैक्ट है। तो बहुत चीज़ें इन्होंने वाकई में डाली हैं, और इनकी एक लैब है साउथ में भी, कामा आयुर्वेदा वालों की, चेन्नई के आसपास, तो वहाँ से भी ये लोग अपने जो है फॉर्मुलेट करते हैं। ऐसा मैंने इनके बारे में काफ़ी पढ़ा है। 2002 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी, 4 लोगों ने इसको बनाया था, और आज ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये जान के बड़ी खुशी होती है कि अब जो नामी गिरामी हर्बल देसी कंपनियाँ हैं वो भी मैन ग्रूमिंग की तरफ आ रही हैं, और क्रीम व्रीम ना लगा के शेविंग को, बेसिकली शेविंग एंथुजियास्ट को लुभा रही हैं। तो भैया मेरे को तो पसंद आया, और सबसे बड़ी बात ये, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मेरी सिस्टर ने मेरे को गिफ्ट किया था, तो मेरे तो जेब के पैसे गए नहीं, हाउ चीप ना। बट एनीवे, थैंक्स नेहा अगेन। बट ओवरऑल प्रोडक्ट्स लाजवाब हैं, महंगे हैं, तो कभी कभी आपको यूज़ करना हो, एक अलग तरह का एहसास करना हो, तो आप कर सकते हो, तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद इट। बट यस, यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर पुटिंग योर मनी इन इट, इन दीज प्रोडक्ट्स। बट मेरे को मजा आया, सच बता रहा हूँ, मेरे को मजा आया। हाँ, एक मेरा माइंडसेट जरूर था कि मेरे को एक फोम बहुत बढ़िया चाहिए, वॉल्यूमिनस चाहिए। आप देखते होंगे जब भी मैं अपने फोम बनाता हूँ तो मेरे को थिक फोम चाहिए, बढ़िया फोम चाहिए, वो इसमें बिल्कुल नहीं था। तो लगाते हुए, अप्लाई करते हुए मेरा माइंडसेट नेगेटिव हो गया, मगर जब मैंने रिजर्व लाइट किया तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं हुई। सो थैंक यू कामा आयुर्वेद फॉर ब्रिंगिंग सच शानदार प्रोडक्ट्स। आप अपना स्केल बढ़ाइए और प्राइस थोड़ा ड्रॉप करिए, तो इंडियन वेट शेविंग कम्युनिटी या इंटरनेशनल वेट शेविंग कम्युनिटी आपको जरूर लैब करेगी आपके प्रोडक्ट्स को। सो ये मेरे आज के रिव्यूज हैं, और रेजर के बारे में तो कहना ही कुछ नहीं है, क्योंकि आप उसके बारे में मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ। ये भी दुख सुख का साथी है, हर जगह बिल्कुल फटाफट चलता है ये पार्कर का 91R फैंटास्टिक रेजर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग ऑन योर गोल्स। और आप देख रहे हो एक सेकेंड वेव अभी कोरोना की चल पड़ी है, यू कैन सी दिल्ली में क्या हाल हो रहा है, और हमारे इलाके में भी अभी कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, और कुछ फैमिली मेम्बर्स को भी हमारे यहाँ इस तरह का कोरोना का जो है बेसिकली इन्फेक्शन लगा है। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है, थिंक ट्वाइस बिफोर यू गो आउटसाइड फॉर शॉपिंग, वॉट एवर इट इज, कीप सेफ डिस्टेंस, ऑलवेज यू नो कैरी योर सैनिटाइजर विथ यू, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेम्बर्स, योर वाइफ, वॉट एवर इट इज। सो बस ध्यान ही रखिए, हेल्थ दुनिया है, जहान है, हेल्थ है तो सब कुछ है, और शेविंग भी तभी है। ओके, तो पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो बिल्कुल डिसलाइक करिए, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सजेशंस रखिए, कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिप्लाईज देने की। टिल देन गुड बाय, सबा खैर, सायोनारा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नेक्स्ट में कोशिश करूंगा मैं पर्ल फ्लेक्सी के बारे में अपने रिव्यूज देने की। सो डेफिनेटली पर्ल का जो है फ्लेक्सी रिजर्व मेरे पास आ चुका है, तो अब हम उसकी तरफ जरा फोकस करेंगे। बाय, टेक केयर।